मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव, मैं आपका मैथ टीचर आप लोग लेकर आ रहा हूँ क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर सर्कल और चैप्टर 10 है। एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.3 आज हम करने वाले हैं, 10.1 से लेकर 10.3 तक करने वाले हैं। और बेसिकली 5 एक्सरसाइज हैं स्टूडेंट, जिसमें से ये 3 एक्सरसाइज आज मैं आपको कराने वाला हूँ, बाकी की 2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, और देन आफ्टर हम आगे चलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक में कि द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो समझने की जरूरत है कि जो सेंटर होता है सर्कल का, सर्कल कुछ इस तरीके से होता है, तो इसका जो सेंटर होता है वो अंदर यहाँ होता है, तो ये बेसिकली इंटीरियर में होगा ना कि एक्सटीरियर पे। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा, बेसिकली आपको जो आंसर डालना है वो डालना है इंटीरियर में, ठीक है ना, इंटीरियर आपको रखना है कि सेंटर जो होता है वो इंटीरियर में होता है, अंदर होता है सर्कल के। दूसरा पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स का, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से बाहर है, मतलब सर्कल के बाहर है, तो उसका जो लेंथ होगा वो रेडियस से ज़्यादा होगा, क्योंकि लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी रेडियस की आर, और ये जो पॉइंट होगा ये रेडियस से भी बड़ा होगा, तो इसलिए हमें क्या करना है, एक्सटीरियर में होगा वो पॉइंट, जो रेडियस से बड़ा है वो एक्सटीरियर नहीं बाहर होगा सर्कल के, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि एक द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्ग कॉर्ड होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाता है, लाइक इस पॉइंट से इस पॉइंट से सर्कल को मिलाता है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपको भी पता है क्या होगा, डायमीटर होगा। डायमीटर से बड़ी कॉर्ड कोई भी नहीं होती है सर्कल के अंदर, तो ये कर लेंगे आप। फोर्थ पार्ट अगर हम बात करें तो बोला एक आर्क जो होती है सर्कल की, वेन इट एंड आर द एंड ऑफ द डायमीटर, एन आर्क इज ए डैश, ठीक है, वेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। देखो एक सर्कल है, समझने की कोशिश करना, इस तरीके का सर्कल है, उसमें कॉर्ड है, ठीक है। अब कॉर्ड में मान लो हमने यहाँ पे और यहाँ पे आर्क लगाई, तो अगर ये आर्क लगाई तो जाहिर सी बात है ये क्या बनेगा, लिखा ना एक आर्क सर्कल का डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड ऑफ द डायमीटर। अगर ये डायमीटर के एंड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट डायमीटर का एंड है, तो ये जो आर्क लगी है डायमीटर के एंड में, ऑब्वियसली बात है ये सर्कल को कहीं ना कहीं सेमी सर्कल में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये जो आर्क है वो क्या करेगी, बेसिकली सेमी सर्कल बनाएगी, तो आपको यहाँ सेमी सर्कल डालना है। फिफ्थ पार्ट अगर हम बालेंगे करेंगे तो बोला सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्कल। कॉर्ड के बीच में, जैसे एक कॉर्ड ही तो है एक तरीके से, इस कॉर्ड के बीच में और किसके बीच में, सर्कल के बीच में, तो ये एक तरीके से आर्क होती है। जैसे कोई भी सर्कल ले लो, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड डालूंगा, तो ये दो आर्क लगी है इसके बीच में और सर्कल के बीच में, ये एरिया होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। बोला कि एक सर्कल है जो डिवाइड करता है प्लेन को, ऑन विच इट लाइज इन अ थ्री पार्ट। एक सर्कल जो होता है डिवाइड करता है प्लेन को तीन पार्ट में, कौन कौन सा पार्ट होता है, देखो एक सर्कल है वो जिस पे बनता है उस चीज़ को तीन पार्ट में डिवाइड करता है, कैसे, देखो एक तो इसके इंटीरियर का अंदर का पार्ट ये वाला, ठीक है, सर्कल के अंदर का पार्ट जो ये वाला पार्ट हो गया सारा, ठीक है, एक इसके एक्सटीरियर का पार्ट, और एक पॉइंट होता है जो सर्कल के ऊपर होता है यहाँ पे। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया ना, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड ऑन द सर्कल। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन करेक्ट हो गए, मतलब क्लियर हो गए। सेकंड हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसी का, फर्स्ट एक्सरसाइज का, ट्रू फॉल्स है, ध्यान से सुनेंगे। बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करता है सेंटर को किसी भी पॉइंट से सर्कल के, वो रेडियस होता है सर्कल का, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर यहाँ सेंटर से हम सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस होगा सर्कल का, ठीक है। तो ये ट्रू है, इसको आप ट्रू डाल देना, फर्स्ट पॉइंट जो है, सेकंड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो टी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का सेकंड पॉइंट देखते हैं, बोला कि सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, लिमिटेड नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होते हैं सर्कल के, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स इक्वल हो सकती हैं, ठीक है, बराबर कॉर्ड्स हो सकते हैं। इफ द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क, अगर तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो सभी जो होंगे वो इक्वल आर्क्स होंगी। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इसका रीज़न है, इफ़ द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क देन आर्क देन ईच आर्क इज ए माइनर आर्क, हर आर्क जो है वो माइनर आर्क होगी थर्ड में, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है, इसका देख लेना आप। फोर्थ देखिए, एक कॉर्ड है सर्कल की जो कि ट्वाइस है एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, एक कॉर्ड जो है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल में जो रेडियस होता है अगर उसको हम डबल कर देते हैं तो वो क्या बनता है, डायमीटर। तो इसलिए बोला रेडियस जो होगी वो डबल होगा डायमीटर का, मतलब जो डायमीटर है वो बेसिकली किसी भी सर्कल में रेडियस का डबल होगा, तो बिल्कुल होगा, वो तो ट्रू है। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो गई। पॉइंट नंबर 5 और 6 मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इतना तो आप कर ही सकते हैं अपनी तरफ से।
ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 की। ठीक है, 10.1 हमने फिनिश कर लिया, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10.2 करने के लिए मेरे को थोड़ा ये रफ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको कोई आपत्ति नहीं होगी इस बात पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 10.2 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, दो ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार करा देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप थ्योरम वगैरह देख लेना, इसमें से सर्कल में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। ठीक है, सर्कल में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सो सेकेंड एक्सरसाइज है 10.2, उसमें बोल रखा है कि प्रूव करो कि सेकेंड क्वेश्चन, मतलब सेकेंड एक्सरसाइज का मैं सेकेंड पार्ट करा दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप ट्राई कर लेना। एक्सरसाइज 10.2 का मैं सेकेंड पार्ट आपको करा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, सेकेंड में करा रहा हूँ। सेकेंड में बोल रहा है कि प्रूव दैट इफ द कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल आर सबस्टेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। दो सर्कल अगर हों इस तरीके से और दोनों ही सर्कल में अगर जो कॉर्ड है वो इस तरीके से इक्वल एंगल सबस्टेंड करे, मतलब यहाँ सेंटर है और ये जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है वो इक्वल है, लाइक ये एंगल भी मान लो 90 डिग्री है और इधर इस तरीके से इस सर्कल में भी एक कॉर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी क्या कर रही है, इक्वल एंगल सबस्टेंड कर रही है मान लो। ठीक है, यहाँ पे इक्वल एंगल बना रही है 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, देन द कॉर्ड आर इक्वल, तो इस केस में जो कॉर्ड है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो हमें ये कॉर्ड की बराबर लेंथ प्रूफ करनी है, एंगल अगर इक्वल है तो हमें गिवन क्या है, अगर हम इसको ओ माने और इसको ओ डैश माने, इसको हम पी माने और इसको हम क्यू माने। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम आर माने, इसको हम एस माने। तो ध्यान से देखिएगा क्या गिवन दे रखा है, बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, ये हमें गिवन है कि दोनों सर्कल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, और इसमें ये भी गिवन है कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो बराबर है एंगल आर डैश ओ, आर डैश ओ और एस के। अब टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल, रेडियस सर्कल की जो होती है वो इक्वल होती है, आपको ये चीज़ तो पता ही है। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओ पी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ओ क्यू के। ठीक है, इज इक्वल टू ओ आर डैश और ओ डैश एस, ये भी इक्वल हो जाएंगे सारे। नाउ इन ट्रेंगल पी ओ क्यू, मैं यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ, इन दोनों ट्रेंगल्स में देखना, इस वाले ट्रेंगल में और इस वाले ट्रेंगल में, ध्यान से देखना कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को इधर होना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना है, तो ऑब्वियसली बात है स्क्रीन दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों ट्रेंगल्स में आप एक चीज़ देखिएगा, ओ पी बराबर इन बोथ ट्रेंगल्स, मैं बार बार ट्रेंगल का नाम नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हैं यही ट्रेंगल्स हैं दोनों, इन बोथ ट्रेंगल्स नोट कीजिएगा क्या चीज़ें सेम है। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया ओ पी बराबर, हमने ओ डैश आर प्रूफ किया है, एंगल पी ओ क्यू बराबर गिवन है हमें एंगल आर डैश ओ एस के बराबर। ठीक है, और हमें गिवन है ओ क्यू बराबर, ओ क्यू बराबर हमें गिवन है ओ डैश एस। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी क्यू इस कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो ट्रायंगल ओ डैश आर एस, ठीक है, हो जाएगा। तो इसलिए देयरफॉर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो पी क्यू रेडियस है वो किसके बराबर, मतलब कॉर्ड जो है वो आर एस के बराबर हो जाएगा, पी क्यू जो कॉर्ड है वो आर एस के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे ये जो पी क्यू कॉर्ड है वो आर एस के बराबर, मतलब ये जो कॉर्ड है ट्रायंगल में ये दोनों ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 10.2 का जो एक क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया है, एक आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 की तरफ, इसको रब कर रहा हूँ।
वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 10.3 की, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। 10.1 और 2 मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपने उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमें एक्सरसाइज 10.3 के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आपको चाहूँगा कि सेकेंड और थर्ड आप खुद ट्राई करेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बोला, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव ए कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो कि तीन तरह के हमें ड्रॉ करने के लिए बोला सर्कल्स के पॉइंट को। पहला पॉइंट आप सर्कल में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कुछ इस तरीके से पॉइंट्स आए, एक यहाँ पे सेंटर हो, एक यहाँ पे हो, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, ये पहला टाइप का सर्कल है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे में जस्ट सर्कल ऐसा हो सकता है जो काटे ना एक दूसरे को, बस टच करे इस तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट इनका टच हो जाए, तो यहाँ पे दोनों के सेंटर है। और थर्ड जो टाइप हो सकता है वो हो सकता है जो बिल्कुल एक के दूसरे के एक के अंदर दूसरा हो, ठीक है, कॉमन पॉइंट की अगर हम बात करें इस तरीके से, ये सेंटर है दोनों का ही। तो अब अगर हम बात करें कॉमन पॉइंट्स की, तो अगर आप ध्यान दो तो पहले वाले सर्कल में दो पॉइंट कॉमन है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। दूसरे वाले सर्कल में एक ही पॉइंट कॉमन है और इस वाले सर्कल के अंदर 0 पॉइंट कॉमन है, ठीक है। इस वाले सर्कल में बेसिकली कितने पॉइंट कॉमन है, 0 पॉइंट कॉमन है, कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर कट नहीं रहे। और एक केस और बन सकता है जिसमें कॉमन पॉइंट नहीं होंगे, बिल्कुल 0 पॉइंट कॉमन होंगे, जैसे एक सर्कल यहाँ है दूसरा बाहर है, तो इनके बीच में भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। और देखो अगर आप ये देखो तो इनके बीच में भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, कॉमन पॉइंट क्यों नहीं, क्योंकि कहीं टच नहीं हो रहे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 10.1 से 10.3 तक के क्वेश्चन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव गुड डे, बाय।